हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका साडा फूड अड्डा में। आज मैं बना रहा हूँ सूजी का हलवा। तो आइए देखते हैं सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। ये 1 कटोरी सूजी ले ली है, 1 कटोरी देसी घी ले लिया है, 1 कटोरी चीनी, 4 कटोरी पानी, और ये 15 से 20 बादाम ले लिए हैं जिनको कट कर लिया है, और ये 15 से 20 किशमिश ले ली हैं। चलिए शुरू करते हैं सूजी का हलवा बनाना। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और इस पे एक भिगोना चढ़ा देंगे। जो ये हमने 4 कटोरी पानी लिया था, इसको हम बॉईल कर लेंगे पहले। पानी हमारा बॉईल हो गया है, अब इसको उतार कर साइड रख देंगे। अब हम ये गैस के फ्लेम को जो है मीडियम कर देते हैं और कढ़ाई चढ़ा लेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, जो हमने घी लिया था इसमें से 1 चम्मच घी डाल देंगे। अब घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, जो हमने ड्राई फ्रूट लिए थे इनको हम भून लेंगे इसमें। एक मिनट, मैंने ये ड्राई फ्रूट जो थे ये मैंने इनको भून लिया है। एक मिनट, ड्राई फ्रूट हमारे भून गए, अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी हमारा जो बाकी का बचा हुआ घी है वो पूरा इस कढ़ाई में डाल देंगे। घी हमारा हल्का गर्म हो गया, अब ये जो हमने सूजी ली थी 1 कटोरी, इस सूजी को घी में डाल देंगे। सूजी और घी को मिलाएंगे और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। सूजी को हम हल्का ब्राउन होने तक लगातार चलाते रहेंगे। लगातार इसलिए चलाना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। सूजी को हमें भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। सूजी हल्का ब्राउन होना शुरू हो गई है, इसको 5 मिनट और लगेंगे, इससे पूरी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। और आप जो है सूजी को हल्का ब्राउन ही करें। ज़्यादा ब्राउन करने से क्या होगा, हलवे का कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जो देखने में भी और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। सूजी हल्की ब्राउन हो गई है, अब इसमें जो हमने चीनी ली थी वो चीनी डाल देंगे 1 कटोरी। अब चीनी को हम सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी को हमने सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो हमने पानी बॉईल करके रखा हुआ था, उस पानी को इसमें थोड़ा थोड़ा करके सूजी में डालेंगे। पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालें जिससे कि सूजी के हलवे में लम्स ना पड़े। अब इसको हम धीरे धीरे चला करके पकाएंगे।
अब इसमें हमने जो है किशमिश ली थी 15 से 20 किशमिश, ये किशमिश इसमें डाल देंगे हम अपनी, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए ये हलवा धीरे धीरे थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, सूजी ने पानी सोखना शुरू कर दिया है। ये देखिए हलवा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें हम जो हमने बादाम रोस्ट किए थे वो बादाम इसमें डाल देंगे हम। रोस्ट किए हुए बादाम को हलवे के साथ मिक्स कर देंगे। ये देखिए हलवे का कलर कितना अच्छा आया है, और ये हलवे जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो प्रॉपर है। हलवा हमारा रेडी है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।